श्रावण महीना भगवान शिव की उपासना के लिए जाना जाता है। इस माह में सोमवार के दिन भगवान भोले शंकर का पूजन खास महत्व रखता है। इसी को लेकर आइए देखते हैं हमारी विशेष रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं दिनेश दसौंधी और मैं एक बार फिर से हाजिर हूं सावन सोमवार की विशेष रिपोर्ट लेकर। आज हम आपको फिर से खरगोन जिले के ऊन नगर लेकर चल रहे हैं, जहां 13वीं शताब्दी के पाषाणी शिव मंदिर विद्यमान है। आज हम आपको यहां के नीलकंठेश्वर मंदिर के बारे में बताएंगे। आइए जानते हैं कि इस मंदिर का इतिहास क्या है और क्या धार्मिक महत्व है। मंदिरों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध ऊन नगर कहने को तो एक ग्रामीण कस्बा है, किंतु यहाँ के पुरातन मंदिर इस स्थान को देश भर में विशेष पहचान दिलाते हैं। भारत में खजुराहों के बाद ऊन के मंदिर देश भर में दूसरे स्थान पर गिने जाते हैं। इन मंदिरों के निर्माण में जो पुरातन शैली प्रयोग की गई है वह अपने आप में अनुपम है, किंतु इन खासियतों के बावजूद यहाँ के पुरातन मंदिर अनदेखी का शिकार हो रहे हैं। इस रिपोर्ट के माध्यम से हमने ये जाना कि यहाँ के मंदिरों का इतिहास क्या है, पर कहीं ना कहीं संरक्षण की कमी के कारण यहाँ के मंदिर अब जीर्ण शीर्ण होने लगे हैं और धीरे धीरे टूटने लगे हैं। इस बारे में भी हम इनसे बात करते हैं कि इनके संरक्षण के लिए आखिर क्या हो जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए। हाँ, ये जो मंदिर है और बहुत ही प्राचीन मंदिर है, पर इनकी आज तक जो रख रखाव शासन प्रशासन द्वारा किया जा रहा है बहुत ही अच्छी तरीके से नहीं किया जा रहा है, और ये सारे मंदिरों का गिरते जा रहे हैं और ये कुछ ही समय बाद ये मंदिर देखने को नहीं मिलेंगे। पर इन्हें शासन प्रशासन ने ज़्यादा से ज़्यादा इस ओर ध्यान देना चाहिए, पुरातत्व विभाग ने भी ध्यान देना चाहिए और इन मंदिरों का संरक्षण करना चाहिए, ताकि ये मंदिर हमारे बचे रहें और ये यहाँ पर ये मंदिरों की शैली और जो निर्माण आज हज़ार साल पुराना। पिछले दिनों एक मंदिर यहाँ पे महाकालेश्वर मंदिर के नाम से था, जो जिसका शीर्ष जो है अभी तरक गया है, टूट गया है, उसके बारे में बताइए। हाँ, आज महाकालेश्वर मंदिर जो है हमारे ऊन में, तो ये यहाँ पे संरक्षण नहीं होने से, यहाँ पर उनका अच्छे से रख रखाव नहीं होने से वो मंदिर का ऊपर से शिखर एक तरफ से पूरा मंदिर गिर चुका है। और इससे वो अच्छा हुआ कि यहाँ कोई हादसा नहीं हुआ, रात के टाइम हुआ, तो इन सब चीज़ों कभी जनहानि हो सकती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस ओर ध्यान देना चाहिए। इनका कहना है कि कहीं ना कहीं इन मंदिरों को संरक्षण की आवश्यकता है। हम बात करें यहाँ के नीलकंठेश्वर मंदिर की, तो इस मंदिर में विराजित पार्थिव शिवलिंग नीले पत्थर से निर्मित किया गया था, तथा जो बीच में नीला प्रतीत होता है, इस मंदिर निर्मित की खजुराहों शैली की बारीक नक्काशियां उस समय कौल की संस्कृति को दर्शाती है। अन्य मंदिर की तरह ये मंदिर भी शिव भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। श्रावण का महीना भगवान शिव के पूजन के लिए जाना जाता है। इस महीने में प्रलयकारी शक्ति के रूप में विराजित भगवान शिव का पूजन सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस महीने को लेकर एक तथ्य यह भी है कि यह महीना नव सृजन अर्थात नव सृजन के रूप में जाना जाता है। इस महीने में पेड़ पौधों से लेकर फसल प्रकृति नव सृजन पर रहती है और इस नव सृजन के महीने में शिव का पूजन विशेष माना जाता है। एक तथ्य यह भी है, शास्त्रों में बताया गया है कि इस महीने में षष्ठी का पालनहार भगवान शिव रहते हैं और षष्ठी की समस्त प्रकार की जिम्मेदारियां भगवान शिव के हाथों में रहती है, इसलिए भी इस महीने में शिव का पूजन अति फलदायी माना गया है। हमारे साथ यहाँ के एक श्रद्धालु जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं कि इस नीलकंठेश्वर मंदिर का इतिहास क्या है। क्या नाम है आपका? भास्कर वर्मा। इस नीलकंठेश्वर मंदिर के बारे में बताइए। ये नीलकंठेश्वर मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है, 12वीं-13वीं शताब्दी के हैं और यहाँ पर राजा बल्लाल द्वारा 99 मंदिर और 99 बावड़ियों का निर्माण किया गया था और आज कुछ ही मंदिर यहाँ पर बचे हुए हैं। हमारी ये सांस्कृतिक धरोहर, जो अमूल्य धरोहर है, ये आज भी विद्यमान है और ये हमारे पहले की यहाँ की कला और इनके बारे में हमें यह जानकारी मिलती है कि पहले की किस प्रकार की संस्कृति थी और किस प्रकार के। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ नीले पत्थर से शिव पार्थिवलिंग बनाया गया, इसके बारे में बताइए। हाँ, यहाँ पर जो नीलकंठेश्वर मंदिर है, इनका नाम नीलकंठेश्वर है और इस नीलकंठेश्वर में करीब से पास से देखा जाए तो इनके कंठ नीला है, इसलिए नीलकंठेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। और यहाँ पर
बहुत ही श्रद्धालु सुबह 4 बजे से ही आना चालू हो जाते हैं और रात तक 8 बजे तक आते रहते हैं और सभी श्रद्धालुओं और सभी की यह मनोकामनाएं बहुत ही जल्दी पूर्ण होती है, बहुत ही दयालु है। उनके इतिहास का दूसरा पहलू यह भी है कि अब यहाँ का पुरातन इतिहास धीरे धीरे मिटता जा रहा है। यहाँ मौजूद 99 मंदिरों में अब केवल कुछ मंदिर ही देखने को मिलते हैं। उनके अधिकतर पुरातन मंदिर अपना पूरी तरह औचित्व खो चुके हैं। जो मंदिर बचे हैं वह भी अब धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण होते जा रहे हैं। साथ एक श्रद्धालु और जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं इस मंदिर के बारे में। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार सावले। इस मंदिर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। ये पूरा जो मंदिर है ये सनातन है और ये खजुराहो शैली पर बने हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो चित्र निर्मित है बाहर के पत्थरों पर जो नक्काशी की गई है वो खजुराहो शैली से मिलती जुलती है और ये सनातनी मंदिर है। और चूंकि इसके पास में एक बरगद का पेड़ है जो कि करीबन 5 या 7 हज़ार वर्ष पुराना बताया जाता है, जहाँ पर एक ऋषि की तपोस्थली भी उसको मानी जाती है। अच्छा, यहाँ कब से पूजन हो रहा है? यहाँ पर सनातन काल से पूजन चला आ रहा है। आपके परिवार में कब से? हाँ, मेरे परिवार में मेरी माता मेरे पिता सब पूजन करते आए हैं और उसके पहले भी बहुत सारे पूर्वज यहाँ पर पूजन करते रहे। यहाँ का नीलकंठेश्वर मंदिर भी इसी कड़ी का हिस्सा बन चुका है। वास्तुयुग में अब इन मंदिरों का संरक्षण आवश्यक हो गया है। उनसे दिनेश दसुंदी की रिपोर्ट। यह थी श्रावण सोमवार के आज की विशेष रिपोर्ट। आगे फिर से एक ऐसी रिपोर्ट के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और देखते रहिए SW24। खबरें अभी बाकी है, बाकी खबरों के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए SW24। कैमरा पर्सन दुर्गेश कुमार के साथ दिनेश दसुंदी, SW24 ऊन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।